गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 200 डिस्टेंट टाइम ग्राफ। हैव यू सीन अ मीटर फिटेड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ योर कार और व्हीकल्स आर फिटेड विद अ स्पीडोमीटर व्हिच गिव्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देयर इज अनदर मीटर व्हिच मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, इट इज कॉल्ड ओडोमीटर। देखिए, हम अपने कार में दो टाइप के मीटर्स देखते हैं। फर्स्ट होता है स्पीडोमीटर और सेकेंड होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है। स्पीड मीन्स कि वो वन आवर में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक घंटे में वो कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो स्पीडोमीटर हमें स्पीड मेजर करके देता है एट फिक्स पॉइंट पे। और सेकेंड हमारा मीटर होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर हमको ये बताता है कि वह व्हीकल्स कितना ट्रेवल किया, ठीक है, तो हमारा कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है और ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है। अब देखिए, टेबल में कुछ डाटा दिख रहा है, हम इसमें देखते हैं। जैसे देखिए, टाइम 8 AM पे ओडोमीटर दे रहा है 1221 और डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट 0 किलोमीटर जब हमारी कार चलना शुरू हुई, ठीक है, तब हमने रीड दिखा। उसके बाद 8:05 8:05 में 8:05 पे हम देख रहे हैं इसका मीटर क्या बता रहा है, 1223 कितनी चल गई हमारी कार डिस्टेंस 2 किलोमीटर। ऐसे 8:20 पर हमारा ओडोमीटर बता रहा है 1229 किलोमीटर, मतलब कितनी चली गई 8 किलोमीटर। देखिए तो 21 से 29 8 किलोमीटर चली कितने मिनट में, 20 मिनट में। फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 12 यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार एट अ सर्टेन टाइम सिंस यू नो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय योर कार इन अ गिवन टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल योर कार हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन 20 मिनट्स इन एवरेज स्पीड इज 8 किलोमीटर पर 20 मिनट्स और 0.4 किलोमीटर पर मिनट, बट यू कैन नॉट कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई योर कार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट 8:02 AM और एट 8:17 AM। यू कैन नॉट इवन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय प्लॉटिंग अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए, ये डाटा हमको बता रहा है, हम देखिए कि हम जब स्टार्टिंग में शुरू कर रहे थे तो 8 AM पर चले थे और 8:20 AM पर हम 1 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं। तो 20 मिनट्स में हमने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो हमारी स्पीड क्या हो गई 8 किलोमीटर पर 20 मिनट्स। यार इसी को काट दिए तो हो गया 0.4 किलोमीटर पर मिनट। बट ये लेकिन हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते इससे कि 8:02 AM से 8:17 AM पर कार की स्पीड क्या थी या कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि एक ये फिक्स इंटरवल पे ही हमको बताता है। देखिए हर 5 मिनट में हम क्या देख रहे हैं कि वो अपना मीटर रीडिंग दे रहा था, लेकिन अगर हमको 8:02 AM पर अगर से 8:01 AM पर चाहिए कि कितनी स्पीड है, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इस डाटा से हमको नहीं मिलेगा। इसी कंफ्यूजन को और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या प्लॉट करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम हर पॉइंट पे हमको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम दिख जाता है। द मोशन ऑफ एन मूविंग बॉडी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटेड बाय अ लाइन ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल 12:10 शो वेरियस पोजिशन ऑफ अ मूविंग ट्रेन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द लाइन ग्राफ दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज नॉन यूनिफॉर्म। अभी देखिए, हमको फिगर 12:10 में ये ट्रेन का एक टाइम ग्राफ है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये ट्रेन की मूविंग, जैसे देखिए
ये टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है, मतलब देखिए टाइम, जब देखिए वन पेयर टाइम जब एक मिनट में हुआ, जब ट्रेवल करती है उसके एक मिनट बाद वो कितने किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद टू में 15, 10 ही, उसके बाद जैसे आप देखिए हमारे 9 मिनट पे अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, 9 मिनट पे हम देखेंगे ये चलती है 50 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पता कर सकते हो। टाइम और डिस्टेंस पता चल गया तो हमको स्पीड भी पता चल जाएगी। तो टाइम ग्राफ से हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम और डिस्टेंस में उसको स्पीड पता कर सकते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लिटिल ग्राफ एंड कैन बी इजिली ड्रॉन ऑन अ ग्राफ पेपर। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैज टू एक्सिस और लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये लाइन ग्राफ है, ठीक है, और ये ड्रॉ होता है ग्राफ पेपर में, इसको हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं। ये हमारा लाइन ग्राफ होता है, ऐसे लाइन में भी, और इसमें टू लाइन्स होती हैं टू एक्सेस में, एक एक्स एक्सेस में और एक वाई एक्सेस में। ये एक्स हो गई और ये वाई एक्सेस हो गई, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इस पर मान लीजिए हमने टाइम मेज़र किया करके लिखा और इसमें हमने डिस्टेंस लिख दी, ठीक, तो हमारे दो हो गए, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। x पे हमने टाइम नोट कर दिया और y एक्सिस पे हमने डिस्टेंस नोट कर दी। उसके ईच एक्सिस रिप्रेजेंट वन क्वांटिटी, हर एक्सिस एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। द हॉरिजेंटल लाइन कॉल्ड x एक्सिस रिप्रेजेंटेड टाइम, वेयर द वर्टिकल y रिप्रेजेंट डिस्टेंस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इज कॉल्ड ओरिजिन और ओ। देखिए एक्स पे हमने टाइम कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया और वाई पे हमने डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर दिया। ओ हमारा ओरिजिन टाइम है जहाँ पर दोनों एक्स और वाई इंटरसेक्शन कर रही हैं। तो हम इसमें टाइम का लगा बताते जाएंगे और इसमें हमारा क्या हुआ डिस्टेंस बताते जाएंगे। देखिए जैसे ये एक मिनट पे चली ये इधर, फिर दो मिनट कितना चली, इसी तरह पूरा टाइम ग्राफ बनाते जाएंगे। द पॉजिटिव वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस आर ड्रॉन अलोंग ओ एक्स एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑन वाई एक्स आर ड्रॉन अलोंग ओ वाई। इन दिस चैप्टर वी विल यूज ओनली पॉजिटिव वैल्यू। हम पॉजिटिव वैल्यू को कहाँ पर रखेंगे, जैसे ये ग्राफ है, ये देखिए ये हमने एक्स खींचा, ये हमने वाई खींचा, ये एक्स है और ये वाई है, इस पर हमने टाइम किया, इस पर डिस्टेंस कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा ओ है, ओरिजिन पॉइंट है, तो ओ एक्स के जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे उनको हम इस साइड लिखेंगे और वाई के जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो इस साइड लिखेंगे। अब अगर निगेटिव आता जाएगा तो इधर करेंगे और इसका अगर निगेटिव आता तो इधर करते हैं, लेकिन हमारा मोस्टली इस चैप्टर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही हम लिए हैं, ठीक। अब हमारा जैसे ये देखिए ये है ज़ीरो टाइम का डिस्टेंस जीरो, ये टाइम है, अब देखिए वन, अगर यहाँ पर हमने वन लिया टू लिया थ्री फोर फाइव और ये हमारी डिस्टेंस होगी, ठीक। तो वन पे टू चला तो वन पे हम टू फोर सिक्स एट हमने डिस्टेंस मान ली, तो वन पे ये टू किया, ठीक, टू पे फोर, टू इधर फोर, ये टू एक्स पे और फोर वाई पे, ये हमारा पॉइंट मिल गया। थ्री पे सिक्स, तो थ्री इधर वन टू थ्री इधर, और ये कितना है सिक्स है, तो ये हमारा यहाँ पर सिक्स चला गया, ये पॉइंट मिल गया हमको। तो इसी तरह पूरा टाइम ग्राफ बनाते रहेंगे। प्रोसीजर प्रॉब्लम्स में कैसे होंगे ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन
First of all, represent the given data on suitable axis of the graph. The horizontal line in figure 12.12 represent time and vertical line represent distance. ये मैंने आपको बताया, ये horizontal ये हो गई और vertical ये हो गई, तो ये x है और ये y है. हॉरिजेंटल टाइम को और वर्टिकल हमारे डिस्टेंस को बता रही है. व्हाइल पुटिंग द डाटा ऑन द ग्राफ इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन यूनिट्स. अब डाटा को इस पर पुट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स स्केल लेनी पड़ेगी. कि मतलब जैसे ग्राफ पेपर में हम बना रहे हैं तो ग्राफ पेपर में ब्लॉक्स होते हैं, तो हम उनको ब्लॉक्स को क्या कर देंगे, एक यूनिट और स्केल मान लेंगे. कैसे, जैसे एक्स एक्सिस पे अगर हम एक सेंटीमीटर को एक सेकंड माने, ठीक है, जैसे हमारा ये ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, इसका हम देखिए एक ग्राफ को क्या माने, एक सेकंड है, तो वही बोला एक सेंटीमीटर एक सेकंड. और दूसरी ऐसे ही एक सेंटीमीटर को हम टू मीटर माने, तो हमारा क्या हुआ, इस एक्सिस पे हमने क्या माना कि एक ब्लॉक बराबर एक सेकंड, और इस एक्सिस पे क्या माना, एक ब्लॉक बराबर टू मीटर. द बॉडी कवर्स 2 meter इन 1 second. पॉइंट ए ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट इट. पॉइंट ए करस्पॉन्डेड टू 1 second ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 meter ऑन वाई एक्सिस. अब हम यहाँ एक ब्लॉक मतलब हो गया कि एक सेकेंड पे 2 meter ट्रेवल कर रहा है, तो जीरो क्या बता दिया कि हमारा ये एक सेकेंड पे 2 minutes कवर कर रहा है. द बॉडी कवर 4 meter इन 2 seconds. पॉइंट बी द ग्राफ रिप्रेजेंट इट. पॉइंट बी करस्पॉन्डेंट टू 2 second ऑन एक्स. हमारा क्या बता दिया, अब हमारा पॉइंट वो बताया क्या, ओ पे तो हमने शुरू किया था, फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि एक, ये देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एक में 2 चला, फिर 3 पे 6 इस तरह से, ये तो सॉरी 3 पे 4, फिर अब 4 पे 6 इस तरह से ये चलता जाएगा. द बॉडी कवर फ्रॉम मीटर इन अ 2 second. पॉइंट बी ऑन द ग्राफ प्रेजेंटेड. पॉइंट बी करस्पॉन्डेंट द 2 second ऑन एक्स एक्सिस एंड 4 meter ऑन वाई एक्सिस. पॉइंट सी डी एंड ई आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ इन अ सिमिलर मैनर. अब ये देखिए ये पूरा ग्राफ हमारा बना हुआ है. ये देखिए एक सेकेंड पे 2 meter चली, 2 seconds पे 4 meter चली, 3 seconds पे 6 meter चली, 4 seconds पे 8 meter चली एंड 5 seconds पे 10 meter चली. तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया. अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ A distance time graph represents the movement of a body is ready. The distance time graph of a body moving in uniform motion is always a straight line. अब जो हमारा distance time graph represent करता है एक body की movement को, ठीक है. इसमें देखिए अगर straight line आ रही है graph में, ये देखिए अगर ये देखिए हमारी straight line है, ये straight line है, तो मतलब uniform motion कर रहा है. लेकिन देखिए यहाँ पर जब हमने ट्रेन वाला देखा था तो देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं थी, तो ये क्या है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है. ये यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाए ग्राफ पे, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, सिंस द बॉडी इज मूविंग इज यूनिफॉर्म मोशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम द ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी 4 meter एट सर्टन पॉइंट ऑफ द टाइम डिवाइडेड बाई द टाइम 2 second इट टुक टू कवर दैट डिस्टेंस. स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड कैसे निकालेंगे बॉडी की, डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन. देखिए हमने देखा कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया और उसने कितना टाइम लिया, तो उसमें कितना अगर हम देखते हैं बॉडी का, जो हमारी मूविंग बॉडी है वो अगर 4
फोर मीटर डिस्टेंस पे अगर उसने टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकेंड, 4 मीटर पे 2 सेकेंड ले रहा है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 मीटर चली 2 सेकेंड पे, तो हमारी स्पीड क्या आ गई, 2 मिनट। इसलिए हम हर अलग अलग पॉइंट पे भी इसका स्पीड निकाल सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज वी वॉन्ट टू नो हाउ मच डिस्टेंस अ बॉडी हैज मूव आफ्टर 1.5 सेकेंड। वी मार्क द पॉइंट करिस्पॉन्डिंग टू द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड देन द ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस एट पॉइंट 3 विच इंटरसेक्ट द ग्राफ एट पॉइंट टी। नाउ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी पैरेलल इन एक्स एक्सिस विच इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट अ पॉइंट क्यू। नाउ फ्रॉम द ग्राफ यू कैन गिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी आफ्टर 1.5 सेकेंड ओ क्यू 3 मिनट। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमको कब चाहिए 1.5 में, देखिए 1.5 हमारा कहाँ है, 1 और 2 के बीच में 1.5 में हम देख रहे हैं कितना टाइम कितना उसने डिस्टेंस कवर की, 3 मीटर। तो 1.5 3 मीटर चली तो उसकी स्पीड क्या होगी, इस 3 डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हम पूरा अलग 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 डिस्टेंस निकाल लेंगे। सेकेंड एग्जांपल है ये देखिए, इसमें भी हमको स्पीड निकालनी है। तो देखिए हमारी OB, हमारी डिस्टेंस कितनी चली थी, 15, और टाइम कितना लगेगा, 3। तो देखिए हमने स्पीड निकाली डिस्टेंस अपॉन टाइम 15 मीटर पर सेकेंड, ये हमको स्पीड मिल गई। तो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डिस्टेंस टाइम, हम हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, स्पीड उस मूविंग बॉडी की स्पीड कितनी है, और वो जो स्पीड है स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमें 3 चीज़ें मिलती है, डिस्टेंस, स्पीड एंड उसका मूवमेंट कैसा, यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म नहीं है।